हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। तो अभी हम लोग आ चुके हैं नैमिष साठ के एक और नए मंदिर में। मतलब भाई ये भी काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, देव देवेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ की कहानी जो है, यहाँ के जो आज लोगों की आस्था है वो मतलब विभिन्न प्रकार की है। कोई किसी अनुसार मानता है तो कोई किसी अनुसार मानता है। भाई चलो आपको यहाँ के दर्शन कराते हैं और यहाँ की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। यह स्थान नैमिष से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर जाने आपको टैक्सी आसानी से मिल जाएंगी। टैक्सी का किराया मात्र 20 रुपये है। अगर आप तो आप अपने प्राइवेट वाहन से बाबा देव देवेश्वर धाम तक पहुँच सकते हैं। भाई यहाँ का वातावरण बहुत शांत और बहुत मनोहर है। जिस जगह बाबा देव देवेश्वर विराजमान, इस जगह सबसे पहले 84 कोस का जंगल था भाई। उसके बाद यहाँ पर भोलेनाथ प्रकट हुए और सबसे पहला पूजन देवराज इंद्र और वायुदेव ने किया था। तब से ये स्थान काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ की जानकारी आपको यहाँ के महाराज जी से बात करके बताते हैं। ऐसा था कि इस अष्टम वैकुंठ नैमिषारण्य में देवताओं की यज्ञ हो गई थी और एक वृत्तासुर नाम का दैत्य था, तो देवताओं को यज्ञ नहीं करने देता था। समस्त देवगण से परास्त हुए भगवान इंद्र के पास गए हुए थे। इंद्र से कहा, प्रभु मैं वहाँ अष्टम वैकुंठ नैमिषारण्य में यज्ञ कर रहे हैं और राक्षस हमें यज्ञ नहीं करने दे रहा है। तो इंद्र ने विचार किया और विचार करने के बाद उन्होंने कहा, चलो वायुदेवता के पास चलते हैं, जैसा होगा वैसा। समस्त देवगण और भगवान इंद्र वायुदेवता के पास गए। वायुदेवता से इंद्र ने सारी बातें बताई तो वायुदेवता ने कहा, इस समय हमारे यहाँ भोलेनाथ विराजमान हैं, इनको वहाँ ले चल के जब तुम लोग नहीं बैठाते हो तब तुम लोग को मारा नहीं जा। तो भगवान इंद्र और वायुदेवता भोलेनाथ ये सभी लोग वायुदेवता के यहाँ से यहाँ को आए थे। उस समय में यहाँ 84 कोस के अंतर्गत सब जंगल ही जंगल था। इस जंगल में आकर के भोले बाबा लुप्त हो गए थे, लुप्त होकर के यहाँ प्रकट हुए। फिर भगवान इंद्र और वायुदेवता उन समस्त देवगणों ने इनको जब ढूंढने के लिए बाहर निकले तो जब यहाँ इनको पाया गया तो सर्वप्रथम पूजा भगवान इंद्र और वायुदेवता उन समस्त देवगणों ने किया। तब उस वृत्तासुर का वध हुआ था और तभी इनका नाम देव देवेश्वर पड़ा। तो ये त्रिकालदर्शी मूर्ति है। पश्चिम साइड में जो लाल स्वरूप है पार्वती जी का बताया गया, बीच में काला स्वरूप जो दिख रहा है भोलेनाथ का बताया गया, और हमारे आपके हथेली जैसे जो पूरब में दिख रहा है वो गणपति का बताया गया। तो सामूहिक रूप से तीनों लोग इसी में विराजमान। देव देवेश्वर का दर्शन करने के बाद भाई आप ने यहाँ की स्टोरी सुनी, क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, कैसे मंदिर विराजमान हुआ। अब हम आपको ले चलते हैं रामेश्वर मंदिर, आगे दर्शन कराते हैं। हम ज़्यादा दूर ही नहीं देख सकते हैं, जैसे इधर अपना देव देवेश्वर है और जस्ट सामने आपको रामेश्वरम मंदिर दिख जाएगा। भाई ये मंदिर जो है यहाँ के शिवलिंग जो भगवान शिव है, यहाँ को यहाँ पर श्री राम जी ने उनको स्थापित किया और वहाँ पर दो शिवलिंग है। एक पहला तो श्री राम जी ने किया, दूसरा बजरंग बली जी ने किया। इसकी कहानी जो है आपको आगे यहाँ के जो पंडित जी हैं वो बताएंगे। भाई आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर कितना शांत माहौल है। जैसे वहाँ गए थे, कौन सा मंदिर था वो, 108 वाला देवपुरी में, जैसे भाई शांत माहौल था उससे शांत यहाँ पर है। भाई यहाँ पर एक सुकून शांति सा लग रहा है, देख सकते हैं बिल्कुल पूरे जंगल से होके जा रहे हैं। भाई ये आकाश भाई कहाँ गए, ये पीछे और खेतों के बीच में, बस चलते हैं पास में आ गया, ज़्यादा दूर नहीं है। और आपको दिखाते हैं भगवान श्री राम जी के हाथों द्वारा स्थापित भगवान श्री राम जी के हाथों द्वारा स्थापित शिवलिंग। भाई पहुंच चुके रामेश्वर मंदिर और ये भैया आपको बता दें गोमती नदी के जस्ट किनारे स्थित है और मंदिर काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, पुराना मॉडल बना हुआ है। और मंदिर के ऊपर तमाम प्रकार की मूर्तियां, तमाम प्रकार के अन्य भगवान भी बने हुए हैं। आओ देखते हैं।
यहाँ पर जो आपको दो शिवलिंग दिख रही हैं, एक ये भगवान श्री राम जी ने स्थापित की। इसका कारण ये था कि भगवान हनुमान जी थे, वो समय पर रामेश्वरम से शिवलिंग ला नहीं पाए थे, वो उन्होंने दूसरी शिवलिंग ये रामेश्वरम से लाई, यहाँ पर स्थापित है। भाई ये काफ़ी अनोखे मंदिर है। इस मंदिर की हिस्ट्री यहाँ के पंडित जी से सुनते हैं। ऐसा था कि जब सीता जी का हरण हुआ था तो हनुमान जी ने पता लगाया सीता जी लंका में, तो सबसे पहले भगवान राम समुद्र के किनारे रामेश्वर जी की स्थापना की और यज्ञ किया। भगवान राम सीता जी को मुक्त करा के लंका से जब अयोध्या पहुँचे हैं तो भगवान राम के हथेली में बाल जमाए थे, उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा, तो उस हत्या के दोष को मिटाने के लिए ये जो हमारे यहाँ 84 कोसी परिक्रमा चलती है, इस परिक्रमा को सबसे पहले दधीच महाराज ने किया था, क्योंकि दधीच जी 84 के लक्ष्य से ग्रसित थे और उन 84 के लक्ष्य से मुक्त होने के लिए दधीच जी ने समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित करके बुलाया और 5-5 कोस की दूरी पर उनको सबको बिठाया था। तब दधीच जी ने परिक्रमा की थी, तब वो 84 के लक्ष्य से मुक्त हुए थे। इसी परिक्रमा को त्रेता युग में भगवान राम अयोध्या से आकर के यहीं पे उन्होंने अपना आसन लगाया और यहीं से परिक्रमा चालू की। जब तीसरे पड़ाव पे पहुँचे तो वहाँ उस तीर्थ का नाम था पहले निम्बार्क, और वहाँ एक छोटा सा कुंड था पहले से, तो उस कुंड में भगवान राम ने जब स्नान किया सारे हथेली के बाल गिर गए थे, तभी से हत्याहरण के नाम से पुकारा गया। फिर उसके बाद में 84 कोसी परिक्रमा पूर्ण होने के बाद भगवान राम जब यथास्थान आए तो हनुमान जी से कहा कि जाओ हनुमान रामेश्वर जी की मूर्ति ले आओ और इस मुहूर्त के पहले मूर्ति लेकर आ जाना। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है प्रभु ले आएंगे। तो हनुमान जी मूर्ति लेने गए थे, रास्ते में कहीं विलम्ब हो रहा था, मूर्ति निकलने वाला था, तो इसी गोमती नदी की बाल में निकाल करके जो गोल शिवलिंग है वो भगवान राम के द्वारा स्थापित है। तब तक हनुमान जी लेकर आ गए, तो हनुमान जी ने कहा प्रभु इस मूर्ति को फिर क्या हो, तो राम जी ने कहा अपने हाथ, तो चौकोर शिवलिंग जो है वो भगवान हनुमान जी के द्वारा स्थापित है और गोल शिवलिंग राम जी के द्वारा। तो भाई अगर आप नैमिषारण्य में आते हैं तो यहाँ पर दर्शन कीजिए, आकर कर सकते हैं भाई, काफी अच्छा स्थान है और देख के काफी अच्छा। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, मतलब नैमिषारण्य में आए तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी इतनी अच्छी अच्छी। और लोग आते हैं तो भाई ललिता माँ के दर्शन और चक्रतीर्थ में नहा के चले जाते हैं भाई, ये भी जगह है अच्छी अच्छी आप देख सकते हो। और मतलब इन जगहों के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता था, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, आज ही मैंने ये सारी चीज़ एक्सप्लोर की, पूरा दिन हो गया। अगर आपको ये ठीक है, बाय बाय। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work.